हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज टेक्नो गेमर ने बोला कि मैं तेरा आईक्यू टेस्ट करने वाला हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये कोई आईक्यू टेस्ट नामक गेम को खोला और दिया, बोला कि तू अगर इसको कर लिए कंप्लीट तो मैं तेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दूँगा। तो मैंने बोला ओके। तो मैंने देखा उन्होंने 22 लेवल से स्टार्ट करके दिया। देयर इज एन इंक्लूडर इन योर कैपेबिलिटी, ये है द नेस्टी पार्ट, राइट, सेव हर, इसको सेव करना है। तो मैंने सेव करके तो यार बादल को टकरा दिया। सेव भाई, ये कितने कैच द माउस, मुझे इस माउस को कैच करना। देखता हूँ मैं अंदर अंदर से नहीं भाई, मैं बाहर बाहर ही जा सकता हूँ ना। तो भाई टिकनो भाई, आज देख लेना मैं आपसे 10K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा लूँगा। तो ये 24, उन्होंने बोला कि 40 लेवल तक तू कंप्लीट कर नेक्स्ट। तो हम लोग चलते हैं 25 लेवल में। तो 25 लेवल में अपन को आ चुका है कि टॉम इज हंग्री अगेन, प्लीज हेल्प, मुझे इसकी हेल्प करना। मैंने इसको ऊपर रखा गैस के ऊपर और मैंने इसके उस बटन को चालू कर दिए। तो ये देखो उसने अपने चूहे को पका कर खा ली 26 लेवल में। टॉम सो रीडिंग सो मच, मेक देम फॉल इन लव। तो हम इसको थोड़ा सा वो कर दिए, ए ट्रू क्या बोला, अरे भाई लव एट फर्स्ट ट्राई था। तो नेक्स्ट वीडियो में व्हाट अ टेरिबल डाइस, हेल्प रोल मी प्लीज, भाई इसको रोल करना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल को हिला दिया भाई तो रोल हो गया। जैसे हम लोग डाइस को रोल करते हैं थोड़ा सा हाथ ऐसे करके हिला देते हैं, तो ऐसे अब आ गया अपन का 28 लेवल। चेक ऑन द कॉस प्लेस, तो इसमें से मुझे कितने सस भाई, सभी कॉल्स हैं, मतलब बच्चे, मैं सभी बच्चों को क्लिक कर दिया। इट्स राइट, तो आ गए हम लोग 29 लेवल में। तो विच कैट इज ऑन इन द राइट, तो हम इसको स्क्रीन को राइट कर देते हैं। तो भाई ये नहीं इस आ गई राइट में, अपन को कुछ नहीं दिखी, तो मैं स्क्रीन में राइट को किया तो आ गई। तो नेक्स्ट स्पॉट द इन द डिफरेंस, मुझे इसमें से डिफरेंसेस निकालना है, मतलब कौन क्या अंतर है। तो मेरे को कोई डिफरेंसेस नहीं दिख रहा भाई, तो मैं 0 में क्लिक कर दिया सबमिट। दे आर एग्जैक्टली सेम, हाउ मेनी होल्स आर देयर इन द शर्ट, मेरे को इस शर्ट के अंदर होल्स पता करना है। तो भाई मैं तो ऐसे नहीं पता कर सकता, बट मैं ऐसे 1, 2, 3, 4 करूँगा तो ऐसे में आंसर आ ही जाएगा। तो अपन को होगा 8 सबमिट, 8 राइट भाई। तो समथिंग इज नाउ इन 3D बे, मुझे 3D तरीके से, तो इसमें बताना है 2 - 3 इक्वल टू 6, 5 × 6 30, 2 + 1 इक्वल टू 2, तो 3 + 8 इक्वल टू क्या होगा। तो आई थिंक 24 नहीं होगा, तो 11 ही होगा भाई, 11। तो अदर इक्वेशन पर रॉन्ग, मतलब जो पहले इक्वेशन थे वो रॉन्ग थे। तो हेल्प द कार क्रॉस द ब्रिज, मुझे ब्रिज को क्रॉस कराने में, अरे भाई ये तो ब्रिज टूटी हुई है। तो मैंने इसके ऊपर होल्ड करके रखा ब्रिज के बीच में, जिससे अपन की कार नीचे ना गिरे। तो फ्यू दिस थिंग बहुत डेंजरस, आई मर द लॉट हिच कार एस्केप जोम्बी, मुझे इसके को कार के पास इस बिजनेसमैन को पहुंचाना है जोम्बी से बचा कर। अरे भाई ये तो पकड़ लिए, मैं क्या करता हूँ उनको अपने पास बुलाकर सीधे कार के पास आ जाता हूँ। बहुत यू सेव्ड हिम, नेक्स्ट मुझे इस कोक को खोलना, प्लीज ओपन द सोडा, मुझे सोडा की बॉटल को ओपन करना है। तो मैं इसको लगा कर ऊपर थोड़ा सा सेक कर दिया, हिला दिया तो ये खुल गया। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेवल में। तो वेयर इज द डिट कैट एवब दिस नेक्स्ट टेस्ट, मतलब मुझे पता करना है कि कैट एवब दिस टेस्ट, मतलब अच्छा मुझे कैट को ऊपर करना है टेस्ट के ऊपर, मतलब मैं इसको कै ये वाला जो वो है तो उसको ऊपर ला लेता हूँ। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये भाई कुछ हो ही नहीं रहा, कैट ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही है। मैं देखता हूँ ये जो टेस्ट है उसको देखता हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं, हो सकता है शायद, पर भाई कुछ हो नहीं रहा। चलो देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ये डॉग कैट कोई हिल नहीं रहे, डॉल्फिन जो है कुछ हिल नहीं रहे। तो हम लोग देखते हैं कुछ भाई, हम लोग इस एड का सहारा लेने पर एड अपन का नहीं चल रहा है अभी, तो हम लोग कुछ तो करेंगे भाई, यहाँ पास कुछ अपन का एड नहीं चल रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प लेने चाहता था बट कोई ना, पर टेक्नो भाई ने ये अच्छे से करके दिया जिससे हम लोगों का एड भी ना चले भाई। तो मुझे अपने से ही कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग टेस्ट को क्या करते हैं, मैं अब क्या करता हूँ इस बर्ड को जो है तो नीचे, कैट को नीचे लाता हूँ, कैट को नीचे ला कर देखता हूँ कुछ हो सकता है तो हो जाए।
तो भाई इधर लाया, इधर भी कुछ नहीं हुआ। इसको थोड़ा साइड में करूँ, ये इधर भी कुछ नहीं हुआ भाई। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये लेवल हार्ड है। ओ भाई हमने सीधे नीचे कर दिया, मतलब कैट को सीधे मतलब एब अप द लाइन मतलब नीचे कर दिया, तो सीधे सही राइट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं लेवल 37 में, ऊपर वाला जो शेप बना था उसमें 9 है, इस वाले 1 है, तो इसमें बताना है कितने 4 होंगे भाई। देखो इसमें कटे हुए 3 9 9 9 4। पिक द बोनस रिवार्ड, मुझे नहीं चाहिए, नो थैंक्स। तो हम लोग आ चुके हैं लेवल 38 में। इट इज़ टू डार्क, आई कांट फाइंड माई कैट। भाई इधर तो बहुत अंधेरा है, मुझे अपनी कैट को फाइंड करना है। तो इधर से जो ऊपर की नीचे की लाइट है तो उसको भी नहीं कर पाया भाई। देखता हूँ ये जो 10 के पास लाइट है उसको नीचे कर सकता हूँ। हाँ कर लिया भाई, आ सकता है। तो अपन की इट इज टू का डार्क भाई, मैं अपनी गैट को पता कर लिया। रीच द फिनिश बिफोर द टाइम रन आउट, भाई हम लोग तो नहीं पहुँच पाए। अगर मैं इस घड़ी को ही तोड़ दूँ तो क्या हो, हम लोग का टाइम स्टार्ट ही नहीं होगा तो हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग टच करता हूँ उस पाँच पर जो है, तो भाई फिर से मैंने एक बार उसी तरह स्टार्ट किया बट कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोग इस वॉच को ही थोड़ा देखो भाई, टच करने पर थोड़ा सा वो दरार आ गई इसमें, थोड़ा सा ब्रेक हुई, तो हम लोग पूरा ब्रेक कर देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखो बिना टाइम से पहले पहुंच गए, ये देखो इसमें थोड़ा चीटिंग तो किए हम लोग बट सही था। हम लोग आ चुके हैं लेवल 40 में। बी मस्ट टू रेडी बिफोर द गेस्ट एराइव, भाई मुझे दो चमकती हुई ग्लास दिख रही बट एक चमक नहीं रही, तो हमने एक को चमका दिया, अब दो और बची हैं। मतलब मुझे इसमें थोड़ा रब करना पड़ेगा जिससे ये साफ़ हो जाए। तो हम लोग इसको चमकाने के लिए रब करना पड़ेगा, रब कर रहे हैं। तो हो जा भाई हो जा, दो ग्लास और बची। गेस्ट आने वाले हैं अपन के घर में, अपन की बिजली ना हो जाए, ग्लास गंदी रहेगी तो इंसर्ट तो हो जाएगी भाई अगर क्लास गंदी नहीं, बट हम कहाँ इंसर्ट नहीं होगी। तो क्लास अपन की रेडी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करेंगे अपने टेक्नो